आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से 25 लाख रुपए तक का होम लोन 15 साल के लिए अगर लेते हैं तो उसको आप कैसे इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस बैंक का एग्जांपल लेंगे वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो खाता होता है वो लगभग इंडिया के हर किसी के पास होता है। स्टेट बैंक को आप आंख बंद के ट्रस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार बैंक है, बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट बैंक है। दोस्तों इंडिया का ज्यादातर कस्टमर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही विश्वास करते हैं। दोस्तों इसीलिए आज हम SBI का लोन का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम अपना पूरा वीडियो शुरू करें, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगता कैसे है। दोस्तों जब भी आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं किसी भी बैंक से, तो बैंक आपको लोन देती है और उसके बदले आपसे कुछ ना कुछ ब्याज लेती है। दोस्तों इसी में बैंक को प्रॉफिट मिलता है। अब जैसे कि आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो होम लोन पे भी बैंक आपसे ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगी। अब ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है दोस्तों। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है दोस्तों आपका क्रेडिट स्कोर, यानी कि सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या फिर 750 से ऊपर है तो आपको लगभग 8.5% के हिसाब से लोन मिल जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये मान के चलेंगे कि आपका जो सिबिल स्कोर है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 से ऊपर है और आपका जो होम लोन है वो 8.5% से आपको मिल जाएगा। और दोस्तों उसी के चलते चलिए हम ये देखते हैं कि आप 25 लाख का होम लोन किस तरह से 15 साल के लिए लेंगे और उसको किस तरह से इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हम चलेंगे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि अगर आप 25 लाख का होम लोन 15 साल के लिए लेते हैं 8.5% के हिसाब से, तो आपकी प्रति महीने जो EMI बैंक को देंगे वो कितनी आएगी। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोन अमाउंट के यहाँ पे हमने 25 लाख रुपए डाल दिया है। आपका जो लोन टेन्योर है यानी कि कितने साल के लिए आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं, तो इसको हम दोस्तों 15 साल कर देंगे। तो दोस्तों इसको जैसे ही हम 15 साल करेंगे दोस्तों, ये देखिए हमने इसको 15 साल कर दिया है और हम ये मान के चलते हैं कि आपकी जो सिबिल स्कोर है वो 750 से ऊपर है, तो आपकी जो यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 8.5% पे आपको लोन मिल जाएगा। उस हिसाब से दोस्तों अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो EMI आएगी वो लगभग 24,600 के आसपास आ जाती है। दोस्तों तो उस हिसाब से आपने लोन लिया है 25 लाख का और 25 लाख के ऊपर आपको जो ब्याज मिलेगा वो हो जाता है दोस्तों लगभग 19,30,000 रुपए। आप हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो 19,30,000 का ब्याज आप बैंक को देंगे उसको किस तरह से आप जीरो कर सकते हैं, यानी कि इससे इसको किस तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों अब देखिए दोस्तों क्योंकि आप बैंक से 25 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हैं तो उतना तो आपको बैंक को किसी भी हाल में देना ही देना होगा। दोस्तों हमारा टारगेट ये है कि हम ब्याज को किस तरह से मिनिमाइज करें। तो दोस्तों ब्याज को मिनिमाइज करने के लिए हम ये मान के चलते हैं क्योंकि आप लगभग 24,600 रुपए का EMI दे रहे हैं तो आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 50,000 से 60,000 के बीच में होगा, तभी आप बैंक का इतना EMI दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो 30,000 की सैलरी में दोस्तों आप 24,500 रुपए का EMI कभी दे भी नहीं सकते और इतना ज्यादा लोन आपको मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हम ये चलते हैं कि आप मंथली जितना भी EMI देंगे कम से कम आपकी सैलरी उससे 2 गुना है। तो दोस्तों आप इस हिसाब से देखिए हम क्या करेंगे, जितना भी टेन्योर करिए आप लोन लेंगे, हम इस टेन्योर को सबसे पहले 5 साल के लिए बढ़ा देंगे। दोस्तों देखिए ये आपका टेन्योर 15 साल था, इसको हम बढ़ा के कर देते हैं 20 साल रुपए। दोस्तों अब देखिए जब 15 साल में आपकी EMI लगभग 24,600 थी, अब वो घट के आ जाती है दोस्तों 21,600 रुपए। देखिए हम आपको फिर से दिखाते हैं, 15 साल में आपने लोन लिया 15 साल के लिए, आपकी EMI आ रही है 24,618 रुपीज। अब इसको जैसे ही हम 20 साल कर देते हैं दोस्तों, 5 साल बढ़ा देते हैं, तो आपकी EMI आ जाती है दोस्तों 21,696, यानी कि आपकी EMI लगभग 3,000 रुपए घट जाती है। दोस्तों अब और एक बात देखिए दोस्तों, 15 साल के होम लोन में आपके जो इंटरेस्ट दे रहे थे वो लगभग 19,30,000 दे रहे थे, अब 20 साल में ये बढ़ के हो जाएगा दोस्तों 27,06,939। अब हमारा टारगेट ये है दोस्तों कि ये जो आपका जो इंटरेस्ट है इसको किस तरह से हम जीरो करें। अब देखिए जब दोस्तों आपने 15 साल के लिए होम लोन ले रहे थे तो आपकी EMI आ रही थी 24,600 रुपए,
इसको जब हम बढ़ा के 20 साल करेंगे तो अभी आपकी ईएमआई आ रही है दोस्तों 21,696 रुपए, यानी कि आपकी ईएमआई 3,000 रुपए कम आ रही है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3,000 रुपए है इसको हम एक ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे कम से कम आपको 13-14% का इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, आपको रिटर्न मिलेगा। और इसी को अगर हम 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने होम लोन 20 साल का लिया है, तो अगर ये बचे हुए 3,000 का जो ईएमआई है इसको हम अगले 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके इंटरेस्ट के साथ, यानी कि लगभग 27 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। यानी कि आपने बैंक से लोन लिया है 25 लाख रुपए, बैंक को 25 लाख रुपए तो आपको लौटाना ही है, उसी के साथ साथ आप बैंक को लौटा रहे हैं 27 लाख का इंटरेस्ट। और क्योंकि आपने 3,000 का ईएमआई 3,000 का एसआईपी किया है, इन्वेस्टमेंट किया है हर महीने, तो वो वहां से आपको 27 लाख रुपए मिल जाएगा। यानी कि आपने बैंक को 25 लाख रुपए प्रिंसिपल दिया प्लस 27 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया और आपको मिल गया 27 लाख रुपए वापस, यानी कि आपका लोन हो गया इंटरेस्ट फ्री। अब हम आपको यहां से दिखाते हैं दोस्तों, देखिए यहां पे दोस्तों हम आ गए हैं ग्रो के एसआईपी कैलकुलेटर पे। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो 3,000 रुपए का जो एसआईपी किया है, ये 3,000 रुपए का एसआईपी को हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एक ऐसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे कम से कम हमको 13% का रिटर्न मिलेगा, ये इंटरेस्ट ज्यादा भी हो सकता है दोस्तों। अब इसको हम 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देंगे दोस्तों, तो 20 साल के बाद हमें जो पैसा मिलेगा दोस्तों वो हो जाएगा 27,16,000। यानी कि यहाँ पे हमें जो होम लोन का जो ईएमआई देना है दोस्तों वो आता है 27,06,939 रुपीज, और यहाँ पे हमें मिल रहा है दोस्तों 27,16,000 रुपीज, यानी कि लगभग ये दोनों सेम हो गया और हमारा लोन हो गया इंटरेस्ट फ्री। अब आता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जहां पे हमें इतना 13-14% का आराम से इंटरेस्ट रेट मिल सकता है दोस्तों। दोस्तों आपने इंडेक्स फंड के बारे में जरूर सुना होगा, इंडेक्स फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो कम से कम आपको 13-15% का इंटरेस्ट मिल जाता है दोस्तों। तो आपका काम है एक अच्छा सा इंडेक्स फंड चूज कीजिए और उसमें एक एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों इंडेक्स फंड कैसे चूज करना है, अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है, इसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे बनाया है, आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें से कुछ भी आपको नई चीज जानने के लिए मिली होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों अगर इसके रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट आता है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, हम जितना जल्दी हो सके आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद दोस्तों।